नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देव शर्मा और आज हम लोग हैं सुल्तानपुर के डोबियारा गांव में। यहां पे हम लोगों ने पॉली हाउस का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें से आधा एकड़ आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टमाटर की खेती की हुई है और उसके अलावा दो एकड़ हमारे सामने है, जिसमें से एक एकड़ ये है और एक एकड़ इसके बगल में लगा हुआ है। इन दोनों ही पॉली हाउस में हम लोगों ने फूलों की खेती की है, जिसमें जरबेरा की क्रॉप लगी हुई है और सामने वाले स्ट्रक्चर में टमाटर की क्रॉप लगी हुई है। तो शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं जो पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से पॉली हाउस बना सकते हैं, किसके वो संपर्क करें, कैसे इस चीज़ की जो पॉली हाउस जो है किस तरीके से वो सब्सिडी ले सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। यदि कोई नया किसान है जिसको जानकारी चाहिए तो वो कैसे शुरुआत करें पॉली हाउस की। तो जो भी किसान भाई हैं वो जो अब अपने ज़िले के उद्यान विभाग में संपर्क करेंगे तो उद्यान विभाग से इस पर सब्सिडी मिलती है, बाकी वो डायरेक्टली हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे थ्रू भी सारी प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है। जिस भी जिले का किसान है उसको उस जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करना होता है और उसके बाद में लखनऊ में जो हॉर्टिकल्चर का हेड ऑफिस होता है वहाँ से उसको सब्सिडी की प्रोसेस करानी होती है, जिसके लिए हमारी कंपनी भी टर्की बेसिस पर सारा काम करा के देती है, पॉली हाउस की सब्सिडी दिलाना और पॉली हाउस बनाना। दूसरा जो है कि मैं जानना चाहूँगा कि जो एक एकड़ में यदि कोई किसान भाई पॉली हाउस बनाना चाहता है तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है या कितनी उसको सब्सिडी का हिस्सा कितना रहता है और कितनी उसकी कॉस्टिंग होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रति एकड़ अगर हम पॉली हाउस की बात करें तो लगभग 1200 स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है, पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है बनवाने पर, और जो जो फसलें होती हैं उनके हिसाब से अलग अलग सब्सिडी होती है। जैसे सब्जी की खेती के लिए अगर एक एकड़ का पॉली हाउस बनवाते हैं आप तो उसमें 1968,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। अगर गुलाब की खेती के लिए आप पॉली हाउस बनवाते हैं तो एक एकड़ के पॉली हाउस पे गुलाब की खेती के लिए पॉली हाउस और क्रॉप को मिला के 25,00,000 रुपये की छूट मिलती है। यहीं पर अगर हम जरबेरा की फसल को चुनते हैं और एक एकड़ पॉली हाउस में लगवाते हैं तो हमें 29,08,000 रुपये की छूट मिलती है। तो ये सरकारी छूट है जो लगभग 50% तक होती है और ये अलग अलग फसलों पे इस पे थोड़ा फर्क इनकी अलग अलग कीमतें होती हैं, बाकी जो खर्चा आता है कस्टमर का या ग्राहक का वो लगभग 1200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। उसका 50% गवर्नमेंट पे, लगभग उसका 50% गवर्नमेंट से हमको अनुदान है, अलग अलग सब्सिडी, अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग सब्सिडी है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो यदि खाली स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 600 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से किसान को पे करना पड़ेगा, जो किसान का फार्मर शेयर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। उसके अलावा फिर जो फसल लगती है वो सेकंड पार्ट होता है, वो सेकंड पार्ट होता है, पर ये प्रोजेक्ट पूरा कंबाइन होता है जिसमें स्ट्रक्चर, फसल और उसका इरिगेशन पार्ट पूरा इंक्लूड होता है, जो टंकी बेसिस पर पूरा ही लगाना होता है, फसल और स्ट्रक्चर दोनों पूरा लगता है, उसके बाद ही सब्सिडी उस पर क्लेम की जाती है। दूसरा, पॉली हाउस लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए किसान के खेत के, क्या क्या पैरामीटर हैं? खेत पे सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि वाटर लॉगिंग वाला खेत नहीं होना चाहिए, उसके खेत में बाढ़ का पानी, बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसके खेत के ऊपर हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए, आसपास कोई गंदा नाला नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ईंट का भट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो उसकी मिट्टी है एक बार मिट्टी की जांच करा ले, मिट्टी की अगर ऊसर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी की जो भी आपका उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास में खाद होती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको हमको अच्छा करना होता है, ऑर्गेनिक कार्बन को अच्छा करने के लिए लोग ऑलरेडी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली यूज़ कराते हैं, अगर आपको डिटेल में बताएं तो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, प्रेसमड है, जिप्सम है, ये सारी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जो थोड़े से यूज़ करते हैं और उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा दिया जाता है। तो शर्मा जी, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आप जरबेरा की खेती है, मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं हमारे किसान भाई भी उसको देखें, थोड़ा आपको दिखाता हूँ, एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको जी। ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट अपना, ये डबल एंट्री गेट हम लोगों ने दिया हुआ है, ये फिर दूसरा, ये केमिकल से पैर धो के अंदर जाने के लिए बनाया हुआ सिस्टम, फिर दूसरा एंट्री गेट है, इसको खोलने के बाद में हम लोग पॉली हाउस में अंदर प्रवेश करते हैं। ये अपना पॉली हाउस है सर, जिसमें हम लोगों ने जरबेरा की खेती की हुई है और ड्रिप इरीगेशन है, प्रॉपर बेड बने हुए हैं, फसल लगी हुई है, ऊपर ये शेड नेट है, फॉगर है,
इसमें हमने गरवारे का ब्लैक शेडनेट यूज़ किया हुआ है छाया देने के लिए। ब्लैक कलर इसलिए यूज़ किया है, मोस्टली लोगों ने हरा देखा है, वाइट देखा है, एलुमिनेट देखा है, पर हमने कई अपने पॉली हाउसेस में ब्लैक शेडनेट लगाया है। तो उसका ऑफर हमको मार्च से लेके और जून तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहता है। ब्लैक शेडनेट होने की वजह से पौधों में झुलसने की समस्या भी ज़्यादा नहीं आती है, गर्मी का कम इफेक्ट आता है। तो थोड़ा पौधे दिखाइए कैसे हैं। ये अभी गर्मी है तो हम लोगों ने काफ़ी तो अच्छा शर्मा जी रखा हुआ है। जी जी, तो दूसरा पॉली हाउस आपने बना दिया, किसान का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो किसान की जो कमाई है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि क्या कमा सकते हैं। पर्टिकुलर जरबेरा की बात करें तो किसान जब लगाता है तो दूसरी चीज़ होती है कि किसान एक बार पॉली हाउस लगाने के बाद में हमसे संपर्क में रहता है और हम भी किसान से संपर्क में रहते हैं कि पॉली हाउस को चलाना भी कैसे है। अब ये जरबेरा की जो फसल लगी हुई है इसके लिए इनको टेक्निकल असिस्टेंस और एग्रोनॉमिकल सर्विस हमारी तरफ से दी जाती है, ठीक है। सपोज़ करिए अगर कमाई की बात करें तो इस एक एकड़ में हम लोगों ने 25,500 पौधे लगाए हुए हैं और प्रति पौधे की जो उत्पादन क्षमता है वो 30 फूल से 40 फूल होती है ऑन एवरेज। तो 35 फूल की प्रति पेड़ की अगर उत्पादन क्षमता अगर आप लोग पकड़ते हैं या 30 फूल की पकड़ते हैं तो 25,000 पौधे जो आपके प्रोडक्शन दे रहे हैं 25,500 में और 30,000 फूल अगर आप पकड़ते हैं तो 7.5 लाख फूल आपको प्रोडक्शन लेना है। ये एक साल का प्रोडक्शन है, साल भर में एक पौधा जो निकालेगा वो 30 से 40 फूल निकालेगा। तो आप मानिए कि अमूमन आपने 30 फूल किसी पेड़ से लिए साल भर में जो बेचने लायक है, क्योंकि कोई फूल अगर थोड़ा सा बीमारी ग्रसित है या थोड़ा सा डैमेज है तो हमने वो क्वांटिटी आपकी कम कर दी। तो 7.5 लाख फूल का प्रोडक्शन अगर आप प्रति एकड़ ले लेते हैं तो ये एक अच्छा उत्पादन है। 7.5 लाख फूल में अगर आप इसका मार्केट में जरबेरा का रेट पता करेंगे तो इसका एवरेज रेट जो रहता है वो 2.5 रुपये से लेकर 12.5 रुपये तक रहता है। तो जो एक एवरेज होता है बिलो एवरेज अगर आप पकड़ते हैं तो 3 रुपये की एक एवरेज आएगी कि साल भर में कभी आपने 3 रुपये का फूल बेचा, कभी 6 रुपये का बेचा, कभी 8 का बेचा, कभी 12 का बेचा, तो वो जो एवरेज आता है वो आपका 6 रुपये से 8 रुपये के बीच में आता है। लेकिन अगर हम उसको भी आधा कर दें 3 रुपये पकड़ लें तो 21 लाख फूल अगर 3 रुपये के हिसाब से आप बेचते हैं तो 7.5 लाख फूल 3 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो लगभग 22.5 लाख रुपये का बिकेगा वन ईयर में। 22.5 में भी आपने सोचा कि थोड़ा बहुत कम कर दे तो एक 21 लाख की जो एक अमाउंट होती है वो मिनिमम अमाउंट होती है कि 21 लाख से लेके आप 28.5 लाख तक की जो सेल है उसमें मिनिमम ऑन एवरेज निकाल सकते हैं जी। तो प्रति एकड़ आप 21 लाख की सेल भी पकड़ते हैं 25,000 फूल पे, 7 लाख फूलों के प्रोडक्शन के हिसाब से 25,000 पौधों पे और 3 रुपये के एवरेज रेट के हिसाब से, तो 21 लाख की सेल आती है जिसमें अगर आप खर्चा भी काटना चाहें तो लगभग 40% खर्चे काट सकते हैं। तो अभी शर्मा जी इसमें जो नेट प्रॉफिट रहता है किसान का कुल मिला के कैसे क्या कितना रुपया खर्च करके कितना इनकम कर लेता है ये बताइए मोटी बात। देखिए इसमें मोटा मोटा जो किसान का पैसा अगर जरबेरा के लिए पर्टिकुलर बात करें एक एकड़ के लिए लगभग 60 लाख रुपए का खर्च होता है, उसमें से 29,08,000 रुपये उसकी छूट आ जाती है, 31 लाख रुपये उसका बचता है। 31 लाख रुपये में जो उसकी पहले साल की सेल है वो मिनिमम 21 लाख की सेल है, तो 2 साल में वो अपना पैसा बिल्कुल बराबर कर सकता है और प्रॉफिट में जा सकता है। अगर आपने 15 लाख रुपये भी एक साल की बचत निकाली 21 लाख में तो भी 2 साल में आप अपने नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। फिर जो आपकी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है वो आपका अपना एसेट है, 5 साल के लिए आपको उसमें ये जो पौधा है 5 साल के चलता है, 5 साल तक रेगुलर आपको यही सेम इनकम आती रहती है, कोई भी 5 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं आता है इसमें, तो एक अच्छी लागत किसान निकाल सकता है इसमें। 15 लाख रुपये से लेके 21 लाख रुपये तक की मिनिमम बचत भी निकाल सकता है अगर वो अपने प्रोडक्शन को अच्छा निकालता है, रेट को अच्छा निकालता है एक साल में। और दूसरा इसकी जो लाइफ है पॉली हाउस जिसने बना लिया किसान ने तो लगभग कितने दिन की पॉली हाउस की, जो अगर प्रॉपर पॉली हाउस उन्होंने लगवाया हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं करी है, कोई भी मापदंड में कमी नहीं करी है, तो मिनिमम 15 साल की लाइफ होती है पॉली हाउस की और मिनिमम 5 से 6 साल की लाइफ होती है इसकी पॉलीशीट की अगर आप समय पर मेंटेनेंस रखते हैं तो। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, आशा करता हूं कि वो इससे कुछ सीखेंगे और अपना। कोई भी किसान भाई अगर ज्यादा जानकारी चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और डिटेल में जानकारी ले सकता है। आप नंबर बता। मोबाइल नंबर है 8948204000 नवासी 48204000। धन्यवाद।